हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज से चैप्टर 4 चालू होता है। इकाई 4, द्विघात समीकरण। इकाई 4 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण। द्वि मतलब दो, घात दो घात का समीकरण, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो घात का समीकरण, ठीक है। ये इस तरह से होता है, इसका जो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब इस तरह से कोई इक्वेशंस दिया हो कि चर की घात कितनी हो, दो, द्विघात, द्विघात मतलब भाई दो घात, चर की किसी भी वेरिएबल्स की अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होगी, दो होगी। वेयर a does not equal to 0, a b c क्या है, यहाँ पे a b c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो 0 भी हो सकता है, पर b और c हो सकते हैं, a नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। a की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब हम a की जगह 0 रख देंगे तो 0 into इतना तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये यहां से गायब हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, bx plus c, और bx plus c ये किस तरह का इक्वेशन है, ये तो रैखिक समीकरण है एक घात का। जब चर की अधिकतम घात एक हो तो इसका इक्वेशन, ये किस तरह का समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। जब a की जगह 0 रख देंगे तो सब 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये bx plus c, और bx मतलब चर की अधिकतम घात एक, मतलब ये किस तरह का इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण, ठीक है। B और C 0 हो सकते हैं, B और C की जगह पे 0 हो सकते हैं, but A does not equal to 0, तो ये कहलाता है हमारा द्विघात समीकरण। हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर पे, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। दो घात का, जब चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो, चर राशि अधिकतम घात दो हो तो वो कहलाता है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें पढ़ना क्या है, आपको द्विघात समीकरण दिया है कि उसका हल निकालना है, हल, इस द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, हमको हल निकालना है। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है x का मान निकालना। कोई भी इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है, कुछ भी दिया हुआ है उसमें उसका हल करने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब उस पर जो अननोन राशियां हैं, अननोन चर हैं, एक्स वाई है, इनकी क्या निकालना रहता है, वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पे x पे दिया हुआ है, y पे भी दे सकता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया चर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो इसका हल है, इसका हल निकालने की तीन चार विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ये विधि आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है, बिल्कुल जैसा वहां पढ़ा है बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे गुणनखंड करने के करके x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, x की घात कितनी है, 2, तो जब घात 2 हो तो उसके कितने मान आएंगे, x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे भाई, 2 घात 2 हल। जब रैखिक समीकरण रहता है, एक घात x की घात कितनी रहती है, एक घात, तो उसका एक हल, दो घात दो हल, अगर तीन घात इक्वेशन होता तो उसके तीन हल हो जाते, ठीक है। तो इस समीकरण के हम कितने हल निकालेंगे, दो घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसके कितने हल निकाले जाएंगे, इसके दो हल निकाले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसके दो हल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी विधियां निकालने की, तो पहली विधि हमने बताई गुणनखंड विधि। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है हम उसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है सूत्र विधि, फार्मूला मेथड। एक फार्मूला दिया जाएगा, उससे आप चाहो तो निकाल सकते हो फार्मूले की सहायता से, ठीक है ना। सूत्र विधि फार्मूले की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। फिर तीसरी विधि है पूर्ण
अच्छा सूत्र विधि में सूत्र क्या होता है भाई निकालने का, ये भी देख लेते हैं। ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस फार्मूले को हम इससे डिराइव भी कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो फार्मूला निकाल सकते हैं, पर फार्मूला निकालने के लिए कुछ ऐसा आता नहीं है। आप लोगों को केवल फार्मूला याद रखना है, क्या करेंगे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको हल करना है, ठीक है ना, इस तरह से हल करना है। तो हम उस इक्वेशन को या उस द्विघात समीकरण को इससे कंपेयर करेंगे, ये हमारा जनरल इक्वेशन है, सामान्य व्यापक समीकरण है, ठीक है। हम देखेंगे ए की जगह पे क्या लिखा है, बी की जगह पे क्या लिखा है, सी की जगह पे क्या लिखा है, विथ साइन देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है हमारा ये कैसा है, प्लस में है, तो हम साइन सही देखेंगे, चिन्ह सही। अगर माइनस से है तो माइनस भी लिखेंगे, ए बराबर माइनस बी बराबर, जहाँ पे माइनस होगा माइनस सही लिखेंगे। जब हम ए बी सी निकाल लेंगे भाई कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और सी की जगह। फिर हम इस इक्वेशंस में मान रखेंगे, यहाँ से x के दो मान लेंगे, कैसे, एक बार हम प्लस लेंगे और इक्वेशन को हल करेंगे और एक बार माइनस लेंगे और इक्वेशन को हल करेंगे, तो x की दो वैल्यू प्राप्त होगी। आगे चल के फिर लगाएंगे इस सवाल को। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे वो बाद में बताया जाएगा। और चौथी ग्राफिंग विधि से भी है, ग्राफिंग प्रोसीजर है, लेकिन इस प्रोसीजर का इस्तेमाल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाली तीन विधियों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको क्या पता चला कि जिन इक्वेशंस पे एक्स, जो इक्वेशन केवल एक चर का हो, पहली बात इसमें एक ही चर है एक्स है, ठीक है, और कितने घात का हो, दो घात का हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्नावली 4.1 इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको चेक करके बताना है क्या ये दो घात के समीकरण है कि नहीं, कुछ इस टाइप में बने हुए हैं कि हमको पता नहीं चल पा रहा। अगर डायरेक्ट पता चल जाए कि x की घात 2 है तो हम बता देंगे हाँ ये तो द्विघात समीकरण है, पर यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले में पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जांच करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। कैसे जांच करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, जो भी दिया है उसको सॉल्व करेंगे। अगर x की अधिकतम घात 2 आएगी, x की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2 आएगी, तो कहते हैं हाँ भाई ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो क्या लिखा होगा फर्स्ट में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए यहां पे जो भी ये दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, ये एक नंबर पूछ सकता है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, सही गलत में कुछ भी पूछ सकता है, तो पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दो नंबर में पूछ सकता है। ये हमको दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको खोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये हो गया हमारा 2x a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, अच्छा नौ मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करने का मतलब 2 का अंदर गुणा, ये हो गया 2 का गुणा x से किए 2x माइनस 2/6। हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो किस टाइप से होता है, द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 2x, इसको इधर लाते हैं बराबर के, ये आगे इधर तो माइनस 2x, 2x बराबर इधर आए तो माइनस 2x, तो ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6,
ठीक है, इनको हम बराबर किधर ले गया है, ये प्लस में था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो प्लस, तो बराबर किधर क्या बचा, तो दोनों चले गए तो कुछ नहीं बचा, बराबर जीरो लिख दिया। इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 6 और 1 7 और बराबर 0। आप बोलोगे कि भाई ये तो इस तरह से होता है, ये तो इस तरह से नहीं है, यहाँ पे x वाला टर्म ही नहीं है, बीच वाला जो लिखा हुआ है शुरू वाला तो है x स्क्वायर, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म भी है c, बट बीच वाला नहीं है, तो फिर क्या ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो हमको देखना है कि जो भी हमारे इक्वेशन है उसमें चर की अधिकतम घात 2 है कि नहीं, बीच वाला हमने बोला था ना कि जो इस इक्वेशन में a does not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, b और c 0, उस b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे ये किस टाइप से है, ax स्क्वायर, ये कुछ नहीं है तो a की जगह 1 मान लिए, bx तो है नहीं, तो bx को आप चाहे तो 0 into x लिख सकते हो लिखना हो तो, क्योंकि 0 में x से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इक्वेशन सॉल्व करने पे आया उसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर चर की अधिकतम घात 2 हो जाए तो फिर वो इक्वेशन किस तरह का हो जाता है, वो हो जाता है हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, या लिख देंगे क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, आता है द्विघात समीकरण है, चर राशि की अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात कितनी है 2, 2 से ज्यादा तो दिख नहीं, 2 से कम वाला है भी नहीं, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से करना है हमको, और देख लेते हैं कार्य, सभी क्वेश्चन एक ही तरह के, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं इसी का, थर्ड नंबर पे दिया है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस, ये दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, ये दिया हुआ है। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले इनको खोलेंगे, खोलने का मतलब ब्रैकेट जब भी हटता है तो जिन संख्याओं में ब्रैकेट लगाता है उन संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा रहता है उसके अंदर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो पहले हम एक्स का गुणा करेंगे और फिर माइनस 2 का करेंगे, एक्स का गुणा एक्स में हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है, फिर एक्स का गुणा एक से भी होगा एक्स एक कम एक्स, फिर माइनस 2 से x का गुणा करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 गुणा x माइनस 2x, फिर माइनस 2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे माइनस 2 एक कम 2, ठीक है। x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा 1 से किया x एक कम x, माइनस 2 का गुणा x से किया माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा 1 से किया माइनस 2, बराबर इसी तरह इधर भी करेंगे, x का गुणा हम x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x का गुणा 3 से किए 3x, माइनस 1 का गुणा x से किए माइनस x, ठीक है, और माइनस 1 का गुणा 3 से किए माइनस 3। क्या किया हमने, हमने ब्रैकेट खोला, और ब्रैकेट खोलने में क्या होता है, इन संख्याओं का ऐसा गुणा हो जाता है, पहले x का किया x स्क्वायर, x का किया 1 से x, फिर माइनस 2, दो ये दो पद है ना, इन दोनों एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों पदों का इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस 2 का गुणा x से किया माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा 1 से किया माइनस 2, फिर x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा 3 से किया 3x,
माइनस एक पे गुणा एक्स से किया माइनस एक्स और माइनस थ्री, ठीक है ना। अब क्या करते हैं और थोड़ा सा स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे x माइनस टू एक्स, एक एक्स में दो एक्स घटाना है तो घट तो जाएगा, दो में घटाएंगे बट चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस पे रहेगा भाई। ये छोटा है ना एक एक्स, ये बड़ा है तो माइनस एक्स आया, माइनस टू। इधर पे एक्स स्क्वायर, तीन एक्स में एक एक्स घटाएंगे और तीन एक्स में एक एक्स घटाएंगे तो दो एक्स माइनस तीन, ठीक है। इनको इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये इधर आएगा तो प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस हो गया। ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा। अच्छा सब इधर चले आ रहे थे, जीरो बचा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया भाई, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ माइनस एक्स लिखा है, यहाँ माइनस दो एक्स लिखा है। माइनस और माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, एक ही तरह के चिन्ह दोनों संख्याओं में तो वो जुड़ जाएंगे, चाहे दोनों में प्लस हो और चाहे दोनों पे माइनस। हाँ चिन्ह वही रहेगा जो दोनों संख्याओं में है, अगर दोनों में प्लस है तो प्लस और अगर दोनों में माइनस है तो माइनस। तो माइनस ये एक एक्स माइनस दो एक्स कितने हो गए, माइनस तीन एक्स हो गए, माइनस एक एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स, फिर माइनस दो और प्लस तीन, तो इस बार एक में प्लस और एक में माइनस है, जब एक में प्लस और एक में माइनस है तो घटाना पड़ेगा, चाहे बड़ी संख्या में प्लस हो चाहे छोटी पे, चाहे बड़ी संख्या में माइनस हो चाहे छोटी पे। बड़ी संख्या में प्लस है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिए, तीन में दो घटाएंगे तो एक, प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, बराबर जीरो। ये हमारा हल हो गया इसका। इसको जब हम हल किए तो x की घात कितनी दिख रही है यहाँ पे, वो x स्क्वायर वाला तो टर्म ही कट गया, x की घात में कुछ नहीं दिखती, इसका मतलब वहां पे क्या है x की घात है एक, और x की घात एक का मतलब ये किस तरह का इक्वेशन है, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे x की अधिकतम घात एक है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके सवालों को देख लेंगे, अगर द्विघात समीकरण x की अधिकतम घात दो आएगी तो कह देंगे हाँ भाई यह द्विघात समीकरण है, और अगर एक आएगी तो द्विघात समीकरण नहीं। सारे सवाल इसी तरह से हैं, एक मैं और देख लेता हूं बस हो गया, बाकी आप लोग ट्राई करो। सेवन नंबर पे दिया हुआ है x प्लस टू का होल क्यूब, ये दिया है हमको x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। आपको कुछ नहीं करना है, खोल लेना है, खोल के इधर इन सब को उधर ले जाना है और देख लेना है कि हमारा जो इक्वेशन लास्ट पे आता है वो इस टाइप का है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस टू का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है सर, सांका आप लोगों को याद रखनी है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मान लो ये नहीं याद आती तो फिर आप क्या करेंगे, होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तीन बार इसी का आपस में पूरा, पहले दो बार कर लो फिर जितना है तो उसमें एक बार और कर लो, ठीक है। अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट सर्वसांख्या से बोलेंगे, क्या होती है सर्वसांख्या, ए क्यूब, ये कक्षा नौ में आप लोगों ने बहुत इसका प्रयोग किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये वो सर्वसांख्या है, उससे हम खोल लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब मतलब x की घात तीन, प्लस बी क्यूब मतलब दो की घात तीन, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब x की घात तीन प्लस दो की घात तीन, फिर प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब x लिखा हुआ है,
की जगह पे x है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पे दो, फिर प्लस 3 a, a मतलब x, तो 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया। बराबर किधर, बराबर किधर देखो 2x, फिर ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या होता है 2x का अंदर क्या करना है हमको, गुणा करना है, कर देते हैं 2x से गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 2x की घात 3 2 और x की घात 1 तो x की घात 2 से किए तो x की घात 3 माइनस 2x से कम 2x, 2x * माइनस 1 माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया x की घात 3 प्लस 2 की घात 3, क्या हुआ 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार, 2 का गुणा 3 में नहीं, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये हो गया हमारा 8 प्लस 3 गुणे x स्क्वायर गुणे 2, तो संख्या संख्या का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4, अब 3 का गुणा करेंगे तो 4 यानी 12 बस साथ में x, इनको बराबर किधर लेके आते हैं माइनस 2 x की घात 3 इधर आया तो क्या हो गया माइनस 2 x की घात 3 और ये माइनस था तो प्लस 2 x, देखिए दोनों घर से ले आए तो इधर क्या बचा 0 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या है x की घात 3 मतलब 1 x की घात 3 और उसमें इस 2 x की घात 3 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो जो भी आएगा माइनस में आएगा, माइनस x की घात 3 आया ना, ये 1 x की घात 3 ये 2 x की घात 3 तो 1 में 2 घटाएंगे तो माइनस x की घात 3 फिर प्लस 6 x स्क्वायर है इसको लिख दिया ये देखो 12 x और प्लस 2x, 12 और x और 2x 10 में 12 2 14x और प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा सॉल्व करने का इक्वेशन बना। अब द्विघात समीकरण होने के लिए क्या जरूरत थी, x के अधिकतम घात, x की सबसे ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहां पर देखेंगे यहां पर x की घात 2 दी हुई है बट इस बहुपद पे इस पॉलीनोमियल पे इस इक्वेशंस पे x के अधिकतम घात कितनी दी हुई है, ये x की घात कितनी दी है 3 दी हुई है तो ये तो द्विघात नहीं हो गया, त्रिघात का समीकरण हो गया ना, यहां लिख देंगे जो कि चर की अधिकतम घात 3 है, ये x के घात कितनी हो गई 3, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है अधिकतम घात कितनी हो गई 3, तो अगर ज्यादा हो गई तो भी द्विघात नहीं कहलाएगा, ज्यादा हो गई नहीं आते, और अगर कभी कम हो गई जैसे x की घात 1 थी तब भी वो क्या नहीं कहलाएगा द्विघात समीकरण, एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए x की घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ रह गया वो आप लोग अपने से इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो 3 सवाल दिए हुए हैं उसको हमको केवल इक्वेशन बनाना है, उसका हमको क्या बनाना है केवल इक्वेशन बनाना है और दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। फर्स्ट दूसरे का पहला दिया हुआ है और आप लोग इसको क्वेश्चन देख लेना बुक से, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ये कोई आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड है मतलब आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दिया हुआ है हमको, ये कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब ऐसे हमको कंडीशंस को समझना है, क्या कंडीशन कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, जो क्षेत्र की लंबाई है, देखो क्षेत्र की लंबाई आयताकार क्षेत्र में लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, तो लंबाई के बारे में कह रहा है, चौड़ाई के बारे में नहीं कह रहा है कि चौड़ाई कितनी है,
बट लंबाई के बारे में कह रहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, जितनी भी चौड़ाई है उसके दुगने से, जैसे मान लो अगर चौड़ाई 5 है तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा, दुगुना का मतलब इसमें 2 का गुणा, दुगुना, दो गुना, दो का गुणा, अगर तिगुना कहता तीन गुना, तीन का गुना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई से, चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। अभी एक अधिक भी है, अधिक के लिए हमेशा क्या करना है, अधिक लिखा हो कहीं ज्यादा लिखा हो तो हमेशा जोड़ का प्रयोग, भाई एक ज्यादा मतलब प्लस वन हुआ ना तो प्लस वन हो गई, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चंस बनानी है अपने से, लंबाई अगर ये चौड़ कह रहा है कि ये चौड़ाई है, चौड़ाई अगर हम 5 होती तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक तो हम निकाल लेते, बट यहाँ पे हमको चौड़ाई की तो नहीं पता, इसकी चौड़ाई कितनी है, तब हमको चौड़ाई पता होनी चाहिए तब हम उसका दुगना से एक अधिक करते। चौड़ाई नहीं पता है, लंबाई के बारे में बता रहा कि भाई जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो हमको मानना है यहाँ पे, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। ध्यान रखना है इस तरह की इक्वेशंस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने भी रैखिक इक्वेशन में भी पढ़ा इक्वेशंस को, इसमें दो चर नहीं मानना है, ठीक है ना, कि आप दो चर मान रहे लंबाई x, चौड़ाई y और फिर लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे हमको कोशिश करना है कि एक ही चर माने, ठीक है ना, एक ही चर मान के चले, ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, दो चर मान के करोगे तो भी हम निकाल सकते हैं, बट हमको मानना नहीं है, ध्यान रखना है। चूंकि इसमें सवाल में चौड़ाई नहीं है तो हम सबसे पहले चौड़ाई मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, जो नहीं पता रहता उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तब जब चौड़ाई हमने x मान लिया तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तब प्रश्नानुसार लंबाई बराबर, तब प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर। लंबाई के लिए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, ऐसा बोल रहा ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे चौड़ाई क्या है x प्लस 1, मतलब ये हो गया हमारा 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है ना, दुगने से एक अधिक, तो लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब आयताकार हमको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर, ये जो क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर में रहता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर मीटर का गुणा हुआ, ठीक है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कोई क्षेत्र अगर क्षेत्र कोई खेत कुछ भी है अगर वो आयताकार है तो उसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना बराबर 528 हो गया, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई कितनी थी x, सॉरी लंबाई कितनी थी 2x प्लस 1, लंबाई 2x प्लस 1 इनटू चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। अब हम इसको खोलेंगे, x का गुणा अंदर करेंगे, x का गुणा 2x से किया 2x स्क्वायर, x का गुणा 2x से किया 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 से किया x बराबर 528। अब हम क्या करेंगे, इस 528 को इधर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x ये इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर 0,
तो यही वो क्वेश्चन है जो हमको बनाना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। सवाल में केवल दिया हुआ था कि इसे वर्ग समीकरण में निरूपित कीजिए। देखो ये वर्ग समीकरण है, यहाँ पे चर के अधिकतम घात 2 है, अतः यही वर्ग समीकरण है। इसमें केवल इतना ही बनाना था, ज्यादा नहीं करना था, केवल हमको यही बना के छोड़ देना था कि इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है चर की, अधिकतम घात इसकी है 2। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आप जैसे सेकंड में दिया हुआ है इसको हम चाहते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, बट सॉल्व करने के लिए भी दिया नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत का मतलब क्या होता है भाई? धनात्मक पूर्णांक मतलब तो समझे कि धन वाली संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक जब रहता है तो पूर्णांक में ऋण भी आता है, ऋण वाली संख्याएं भी, धन वाली संख्याएं भी, और जीरो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर के में 1 से स्टार्ट होता है, फिर होल नंबर आया, होल नंबर से 0 स्टार्ट होता है, फिर जब इंटीजर से हम पूर्णांक आते हैं तो पूर्णांकों में माइनस में जितनी बड़ी छोटी संख्या है आप जानते हो सब, साथ में 0 और साथ में प्लस वाली भी पूरी संख्या है, वो कहलाती है पूर्णांक। तो इसमें यह लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर जो ये वन समीकरण वाले सवाल है उसमें इंटू करने के लिए ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस करने के लिए नहीं रहेगा। तो क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आए, क्रम से आए जैसे मतलब 5 के बाद कौन सी संख्या मिली होती है 6, तो 6 कैसे मिला हमको? जब हमने 5 में 1 जोड़ा, ठीक है, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 कैसे आया? जब हमने उसमें 1 जोड़ा। इस तरह से क्रम वाली संख्याएं किस तरह से होती हैं? माना क्रमागत संख्याएं कैसे मान लेंगे? माना क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 है, ठीक है ना। क्रम से आने वाली संख्या हुए हम क्या कर देते हैं, जो पहली संख्या है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो अगली संख्या मिल जाती है। अब प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, प्रश्न क्या दिया है कि इन संख्याओं का गुणनफल x इंटू x प्लस 1 ये कितना दिया हुआ है? 306, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 है। इसका गुणा करने के अंदर x स्क्वायर फिर एक में करेंगे x एकम x बराबर 306, इनको 6 को उधर लेके आएंगे x स्क्वायर प्लस x ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 306 बराबर 0 बन गया। दो बात का समीकरण है ना, एक से एक कम था, दो यही करना था इसमें। एक और देख लेते हैं थर्ड नंबर, इसमें भी क्या करना है, इक्वेशन सी केवल बनानी है। लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब इसे 3 वर्ष पश्चात, अभी जितनी है उससे 3 वर्ष बाद, हमेशा 3 वर्ष बाद निकालने के लिए कभी भी आयु वाला सवाल है ऐसा एज वाला, तो अगर 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद निकालना है, 5 वर्ष बाद निकालना है, तो जब भी बाद में निकालना है तो हम अभी की वर्तमान की आयु में जितने वर्ष बाद निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, उतना ही जोड़ देंगे। क्या बताया मैंने, जो हमने वर्तमान में आयु मानी है, ठीक है ना, वर्तमान में हमने जो भी मान लिया, अब अगर बाद में भाई 5 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो वर्तमान में हमने अगर x मान लिया तो 5 वर्ष पश्चात निकालने के लिए हम उस 5 को x में जोड़ देंगे, और अगर पहले कहता है कि 5 वर्ष पहले तो हम वर्तमान में 5 वर्ष को घटा देंगे। तो इस सवाल में लिखा हुआ है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, फिर आगे है उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल। देखो गुणनफल आ गया ना, द्विघात समीकरण में गुणनफल ही ज्यादा लिखा रहेगा, जबकि रैखिक समीकरण में गुणनफल आया ही नहीं था।
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमको नहीं पता है। हम मान लिए, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी भाई? वर्तमान आयु रोहन की मां की, उसमें लिखा है ना, रोहन की मां रोहन से कितने वर्ष पड़ी है? 26 वर्ष। तो जब रोहन एक्स वर्ष का हो गया, तो जब बड़ा के 26 वर्ष ज्यादा है, अगर मान लो आपकी आयु अभी 15 साल है और आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, तो क्या करेंगे? हम अपनी आयु में मम्मी की आयु को जोड़ देंगे और फिर देखेंगे, मम्मी की आयु को नहीं जोड़ देंगे, 26 वर्ष जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मम्मी की आयु कितनी वर्ष है। बिल्कुल सेम भाई कि वर्तमान आयु उसकी एक्स वर्ष थी, तो माँ उसकी माँ की आयु निकालने के लिए हमने क्या किया, उसमें 26 को जोड़ दिया, एक्स प्लस 26 वर्ष हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हम पहले अभी से 3 वर्ष बाद निकाल लेंगे दोनों की आयु। रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? एक्स वर्ष है। अभी प्रेजेंट, वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जैसे आप लोग 15 साल के हो, अभी कोई बोले 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो 15 दिन 18 साल के हो जाओगे ना, तो हमने क्या किया, अपनी 15 साल आयु में 3 साल आयु को जोड़ दिया, तो 15 और 3 18। बिल्कुल सेम यही, रोहन अभी एक्स वर्ष का है 3 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष को उसकी आयु में जोड़ देंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, अभी एक्स का है ना, 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आई एक्स में 3 जोड़ दिए। इसी तरह हम उसकी माँ की भी निकाल लेंगे 3 वर्ष पश्चात, तथा रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु, अभी कितना है रोहन की मां की आयु, एक्स प्लस 36 वर्तमान, 3 वर्ष पश्चात निकाल रहा है, 3 क्या किया हमने उसमें जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, एक्स प्लस 29 वर्ष 3 वर्ष पश्चात। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन और उसकी मां की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। प्रश्न अनुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल, गुणनफल ये गुणनफल हो गया तो कितना हो जाता है, 360, ये 360 हो गया। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है, ये हमने 360 लिखे। इसको थोड़ा सरल करेंगे, x का गुणा x में किया, एक्स स्क्वायर, x का गुणा 29 से किया, 29x, 3 का गुणा x से किया 3x, और 3 का गुणा 29 से किया तो 90 87 बराबर 360, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, 29x प्लस 3x दोनों प्लस पे हैं, 29 और 3 32x प्लस 87, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 360 बराबर 0, उधर बराबर उधर प्लस पे था, इधर आके माइनस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में 87 को घटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 10 में 7 घटाएंगे तो 3
वे 15 में आगे आएंगे तो 7। ये आ गया हमारे पास 273 बराबर 0, क्योंकि बड़ी संख्या पे घटा दीजिएगा। ये बन गया ना हमारा इक्वेशन x² + 32x - 273 = 0। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज, एक और बचा हुआ है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। इक्वेशन बस तो बनाना है, बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।